निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। देखिए सवाल देखते हैं, बी वाला सवाल देखते हैं। दिया है 3 ऑफ 5x-7 + 2 ऑफ 9x-11 = 4 ऑफ 8x-7। इसे हमें सरल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, 3 का 5 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7 = 21, ठीक, प्लस 2 9 = 18, 18x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 11 2 = 22 इज इक्वल टू 4 8 = 32x, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 7 = 28, ठीक। अब क्या करेंगे हम, जो एक जात के हैं, एक चेहरे के हैं, उन्हें हमें एक तरफ लिखेंगे या एक साथ लिखेंगे। तो 15x और कहीं x दिख रहा है यहाँ पे, है ना, प्लस 18x, ठीक, और यहाँ पे है 32x, लेकिन इक्वल के दूसरी तरफ है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -32x, ठीक, बराबर लिखते हैं, क्या बचा है इधर बराबर के, -28 बचा है, और इसमें क्या बचा है, ये -21 है, तो इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +21, ये हो गया, और क्या बचा है, -22 है ना, तो क्या हो जाएगा, +22 हो गया ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, 8 5 13 1 1 2 1 3, 33x हो गया ना, -32x इज इक्वल टू, ये देखो ये दोनों प्लस के हैं, -28 पड़े रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 2 4, ठीक, 43। अब ये 33x-32x है ना, घट जाएगा कितना हो जाएगा, 1x, 1x लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x लिखा जाता है, ठीक, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43 में से 28 घट गया, कितना हो जाएगा, 5 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है, x = 15, तो ये हल हो गया।